Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome back everyone. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में. और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अबाउट द ममेलियन फर्टिलाइजेशन वर्सेस सी अर्जिन फर्टिलाइजेशन. तो आज के सेशन में हम क्विज करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के इन टॉपिक्स का, जो सी एस आई आर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. आई एम सॉरी, इसमें पीवाईक्यू भी देखेंगे हम और कुछ अलग से एमसीक्यूज भी देखेंगे. सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. और जैसे कि आपको पता है कि सी एस आई आर का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आई रिपीट अगेन कि सी एस आई आर का नोटिफिकेशन आ गया है. तो जिन लोगों को नहीं मालूम है वो जल्द से जल्द इसका डेट को देख लीजिए, उसके अनुसार फॉर्म को भर दीजिए ताकि आपका फॉर्म का कुछ भी रहना जाए और आप टाइम पे एग्जाम दे पाए और आगे बढ़ पाए. तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन. शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपसे शेयर करना चाहूंगा. अभी टॉप गियर नाम का एक सीरीज चल रहा है अनअकैडमी पे, जिसमें मैं कुछ स्पेसिफिक क्विज कर रहा हूँ कंडक्ट, जिसमें काफी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ. तो इस पर्टिकुलर सीरीज में विनीता एस बाबू मैम है और इसमें मैं क्लास ले रहा हूँ. इसमें काफी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं. देन अनअकैडमी पे एग्जाम्स होते रहते हैं, टेस्ट होते रहते हैं, मॉक्स होते रहते हैं. तो इसी लाइन में इस पर्टिकुलर मंथ में कुछ एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं या कुछ हो चुके हैं. तो अभी फिलहाल 4 दिसंबर में हुआ है फुल लेंथ मॉक टेस्ट अनअकैडमी प्लस पर. इसके बाद 18 दिसंबर में होगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के. देन 18 दिसंबर में ही अनअकैडमी प्लस पर होगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट. और 23 दिसंबर में गेट 2022 का मॉक टेस्ट होगा लाइफ साइंस का, जो कि होगा फ्री. इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे एक नया फीचर आया है, दैट इज द आस्क अ डाउट, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी. तो ये फीचर क्या है, ये फीचर बेसिकली रिलेटेड है डाउट से, कि अगर आपका कोई डाउट है लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में, केमिकल साइंस में, मैथमेटिकल साइंस में, तो आप डायरेक्टली उस डाउट को अपलोड करके पूछ सकते हो. ठीक है, तो आप अपलोड कर सकते हो डाउट को अपने. तो यू कैन अपलोड अप टू 3 डाउट्स, आप 3 डाउट तक पूछ सकते हैं. एंड इसका जो सॉल्यूशन है आपको आपके प्रीफर्ड लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लाइक इंग्लिश, हिंदी और हिंग्लिश. तो इनमें से किसी भी लैंग्वेज में अगर आप अपना आंसर चाहते हो आपको उसमें भी मिल जाएगा. तो सिंपली आपको क्लिक करना है, एक्सक्यूज मी, क्रॉप करना है एंड देन सबमिट करना है अपना क्वेश्चन. तो फीचर को यूज कैसे करना है, कैसे यूटिलाइज करना है फीचर को बेसिकली, तो सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करेंगे लेटेस्ट अनअकैडमी ऐप. तो अनअकैडमी का लेटेस्ट ऐप जो है अपने मोबाइल फोन्स में आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा. देन इसके बाद आप जाएंगे डाउट एंड सॉल्यूशंस की कैटेगरी में, वहां से डाउट एंड सॉल्यूशन की कैटेगरी में जाएंगे. देन उस पर क्लिक करेंगे तो नया विंडो ओपन होगा जो है अबाउट आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट वाले विंडो पर क्लिक करेंगे, देन आप चले जाएंगे वहां से इमेज में, जहां पे आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, क्रॉप करेंगे एंड देन फाइनली वहां से आप लैंड करेंगे सब्जेक्ट पर, कि आपका सब्जेक्ट क्या है. इसके अलावा अनअकैडमी पे जो सब्सक्रिप्शन के टाइप्स हैं वो 2 तरह के हैं, एक है प्लस का सब्सक्रिप्शन और एक है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन. प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन के मेथड होते हैं और दोनों में कुछ कॉमन चीजें हैं, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं. कॉमन ये है कि एजुकेटर से आप पढ़ेंगे, यहां ऑल एजुकेटर से इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव क्विज होंगे और टेस्ट होंगे. इसके अलावा आइकॉनिक में कुछ स्पेसिफिक आपको फीचर्स मिलेंगे जो सिर्फ आइकॉनिक में ही अवेलेबल हैं और कहीं नहीं है. तो इसमें है आपका पर्सनल कोच,
पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रिपेटरी स्टडी मटेरियल, एसओपी इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब बात करते हैं प्लान्स की कि क्या क्या प्लान्स अवेलेबल हैं। तो प्लान्स की अगर बात करें तो 3 मंथ का प्लान है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है, 24 मंथ का है। इन सब का जो अमाउंट है वो इनके सामने मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं ये सब अमाउंट लिखे हुए हैं सामने। एंड इन सब पे 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड, और मेरा रेफरल कोड है एम सलमान लाइव। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ। तो अभी जो है मेरा जेनेटिक्स का कोर्स ऑन गोइंग है अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस पर जेनेटिक्स पे कोर्स ले रहा हूं मैं। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इकोलॉजी पर भी कोर्स लूंगा मैं, तो आप क्लासेस देख सकते हैं। और जो नए बैच होंगे वो जनवरी से स्टार्ट होंगे, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। देन आगे बात करते हैं फीचर्स की कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होते हैं अगर कोई पर्सन सब्सक्रिप्शन लेता है। तो सब्सक्रिप्शन लेने वाले को क्या क्या यहाँ पे मिलता है, फुल लेंथ कोर्स अलॉन्ग विद MCQ PYQ प्रिपरेशन, न्यू बैच कोर्स एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली क्विज इन एवरी कोर्स, हर कोर्स में वीकली क्विज होगा। देन इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट ऑन ऑल संडे। एंड राइट हैंड साइड पे जो देख रहे हैं ये सारे आपको मिलेंगे आइकॉनिक के केस में। तो चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो जो लोग भी प्रेजेंट हैं कृपया सवाल को देखें और बताने की कोशिश करें कि उनके अनुसार सही आंसर क्या होगा। ओके, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो लेट अस डिस्कस, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए सवाल आपसे क्या कहता है, सवाल कहता है कि द फ्रेशली आइसोलेटेड स्पर्म्स फ्रॉम द सी अर्चिन आर पुट ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स। तो सी अर्चिन से फ्रेश आइसोलेट किए गए हैं स्पर्म्स सी अर्चिन में से, और उन्हें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स के ऊपर रख दिया है स्पर्म्स को, ठीक है, स्पर्म डाल दिया स्लाइड्स पे। एंड फॉलोइंग केमिकल्स आर प्रोवाइडेड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो किसी एक लोकेशन में यानी किसी एक जगह पर कुछ केमिकल्स को प्रोवाइड किया है। तो जैसे आप देख सकते हैं क्या क्या केमिकल्स हैं, पहला है सल्फेट पॉलीसेकेराइड्स, तो पहला है सल्फेट पॉलीसेकेराइड, देन दूसरा है रीसैक, तीसरा है बाइंडिन, और चौथा है कैल्शियम। तो कैल्शियम, बाइंडिन, रीसैक्ट एंड सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड्स, ये अलग अलग स्लाइड्स पे रखे गए हैं। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म। तो कीमो अट्रैक्शन स्पर्म का सबसे सही किस केमिकल पर होगा। तो आपको दिखाया गया है कि ऑप्शन नंबर ए है जहां पे एरो बन रहे हैं, यानी सल्फेट पॉलीसेकेराइड्स की तरफ आपका स्पर्म जा रहा है। दूसरा दिखाया है रीसेक्ट का केस, तीसरा दिखाया है बाइंडिंग का केस, और चौथा दिखाया है
कैल्शियम का केस, तो इनमें से क्या आपका सही होगा? तो गोनू ने बी बताया है, शिवानी ने सेकंड बताया है, एंड इसके अलावा लेट मी सी, शिवानी ने रीसेट बताया है। टीम अट्रैक्शन का मतलब होता है स्पर्म आपका उस केमिकल की तरफ आकर्षित हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अभी तक तीन आंसर आए हैं सेकंड के, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर है हमारा रीसेक्ट। तो रीसेक्ट जो है, दे आर रिगार्डेड एज द सैप, सैप मतलब स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स, यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पर्म को अट्रैक्ट करने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं। सी अर्चिन में रीसेक्ट है, आपका मैमल्स ह्यूमंस की बात करें तो उसमें होगा प्रोजेस्टेरॉन, इस तरह से आपके केमिकल्स और हार्मोन्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया है, सेकंड क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर ट्रांसजेनिक माइस के ऊसाइट हैं, चार ऊसाइट हैं ट्रांसजेनिक है माइस के, और हर कोई एक्सप्रेस कर रहा है ह्यूमन का जोना प्रोटीन, यानी माइस का एग लिया है जो एक्सप्रेस कर रहा है ह्यूमन के ZB प्रोटीन्स को। ह्यूमन में ZP प्रोटीन्स होते हैं, जोना प्रोटीन्स ZP1, ZP2, ZP3, ZP4। तो ह्यूमन स्पर्म को फिर अलाउड कर दिया है टू फर्टिलाइज द एग, तो आपको बताना है पॉसिबल आउटकम क्या होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर गोनू ने बताया फोर, ओनली दोज ह्यूमन एग विद ह्यूमन ZP2 एंड ZP3 बाइंड टू द ह्यूमन स्पर्म। शिवानी शर्मा ने फाइव बताया है, ओनली दोज माउस एग विद ह्यूमन ZP2 विल बाइंड टू द ह्यूमन स्पर्म, और अनु ने बताया है फोर, ZP2, ZP3। एनी अदर बेटर ऑप्शन, और कोई बेटर आंसर? अनुराधा ने फोर बताया है, ओनली दोज माउस विद ZP2 एंड ZP3। ठीक है, सो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आप क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं, क्या क्वेश्चन है कि चार आपके ट्रांसजेनिक माइस के एग हैं, चार, और चारों जो हैं अलग अलग ह्यूमन के ZP प्रोटीन को अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। कौन कौन से? ZP1 को, ZP2 को, ZP3 को और ZP4 को। तो आपसे पूछ रहा है अब ये कि बताओ, अगर ह्यूमन के स्पर्म दे दे हम इन एग को, तो कौन से एग से बाइंड करेंगे स्पर्म? तो गिलबर्ट में अगर आप पढ़ेंगे, ये एक्सपेरिमेंट जो है गिलबर्ट के अंदर दिया है, गिलबर्ट में एक्सपेरिमेंट दिया है गिलबर्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, और इसमें बताया गया है कि अगर हम चार माइस के एग बनाते हैं
जो ZP1 एक्सप्रेस कर रहा है, ZP2 कर रहा है, ZP3 कर रहा है एंड ZP4 कर रहा है, तो ह्यूमन के स्पर्म बाइंड करेंगे ZP2 वाले से ओनली, सिर्फ ZP2 वाले से। तो इससे पता चलता है कि ZP2 जो है इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर बाइंडिंग ऑफ स्पर्म एंड द एग इन द ह्यूमन। तो ह्यूमन में एग और स्पर्म की बाइंडिंग के लिए जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल जोन ऑफ प्रोटीन है वो ZP2 है। तो एग्जाम में हो सकता है पार्ट बी में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि ह्यूमंस में कौन सा ज्यादा क्रिटिकल जोन ऑफ प्रोटीन होता है फॉर द बाइंडिंग ऑफ एग एंड द स्पर्म, तो वो है आपका ZP2। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 5, ओनली दोज माउस एग विद ह्यूमन ZP2 बाइंड टू ह्यूमन स्पर्म, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज द PYQ जून 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन PYQ है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये PYQ है 2020 का। तो गोनू ने सी बताया है, शिवानी ने डी बताया है। अनुराधा ने शायद डी बताया है, लेट मी सी, राधा जी ने डी बताया है एंड शमीमा बानो ने बताया है 4। तो 4 आंसर आया है अभी तक, थोड़ा ज्यादा जो बताया जा रहा है, और सी भी आया है गोनू के द्वारा। ओके एनी अदर बेटर ऑप्शन, और कोई बेटर आंसर? स्टेटमेंट ए समझ नहीं आया संध्या को, ठीक है अभी समझाएंगे। अभी समझाते हैं क्वेश्चन को, डोंट वरी, और देख लेते हैं कोई ऑप्शन आ जाए हमारे पास बेटर आंसर के रूप में। अगर ओके चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर 4 बताया है और सी बताया है। सवाल देख लीजिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि सेवरल मरीन ऑर्गेनिज्म, मरीन समुद्र में रहने वाले कई ऐसे जंतु होते हैं जो रिलीज करते हैं अपने गैमिट को यानी स्पर्म और एग को इनटू द एनवायरमेंट, पर्यावरण में बाहर पानी में अपने स्पर्म और एग को छोड़ देते हैं, जहां पे स्पर्म जो है वो खींचा चला जाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए एग की तरफ।
तो पानी में समुद्र में टोंग जो है एग की तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर तो बहुत विशाल आपका स्वरूप होता है, वहां पे तरह तरह के जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, फाइटोप्लैंकटन, जूओप्लैंकटन, हर तरह के पूरा इकोलॉजी होती है अपनी। तो इतने कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में स्पर्म और एग भी होते हैं, तो आखिर एक स्पर्म को कैसे पता चलता है कि उसे कहां जाना है, क्योंकि एक स्पर्म इतना छोटा है और एग भी आपका छोटा है बहुत, तो इतने विशाल स्पर्म और एग के सागर में जहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म के स्पर्म और एग भी हो सकते हैं, वहां पे अपने स्पर्म और एग को ढूंढना कितना डिफिकल्ट है किसी के लिए। तो ये काम बहुत अच्छे से हो जाता है सेम स्पीशीज में, ठीक है, यानी सेम स्पीशीज अपने ही स्पर्म को, अपने ही एग को ढूंढ लेती है। तो बताइए आप सी अर्चिन के केस में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो सी अर्चिन में भी ऐसा ही होता है, गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट कहती है, ध्यान से सुनिएगा, एडिशन ऑफ रीसेक्ट इनटू अ ड्रॉप ऑफ सी वाटर कंटेनिंग स्पर्म स्पेसिफिकली अट्रैक्ट द स्पर्म ऑफ ए पंक्चुलाटा। ए पंक्चुलाटा सी अर्चिन है। तो ये कहता है, अगर मैं समुद्र में से एक ड्रॉप ले लूं समुद्र के पानी की जिसमें सी अर्चिन के स्पर्म है, तो वो पूरी ड्रॉप में अगर मैं रीसेक्ट डाल दूं, एक रीसेक्ट नाम का केमिकल होता है, वो डाल दूं अगर उस ड्रॉप में, तो स्पर्म अट्रैक्ट हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं टुवर्ड द रीसेक्ट। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज 100% करेक्ट स्टेटमेंट। रीसेक्ट आपका अट्रैक्ट करता है, कीमो अट्रैक्शन करवाता है पम्प्स में। ये स्टेटमेंट सही है, यानी ये मेरा आंसर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, IP3 इज फॉर्म इनिशियली एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री एंड रिलीजेस सिक्वेस्टर्ड कैल्शियम आयन। तो जहां पे स्पर्म एंट्री करता है वहां IP3 जनरेट होता है और IP3 फिर कैल्शियम को बाहर निकालता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सिग्नलिंग होती है पूरी, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी गामा ये सब एक्टिवेट करते हैं और फिर कैल्शियम को रिलीज करवाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये भी सही है। स्टेटमेंट नंबर D4, इनहिबिटर दैट स्पेसिफिकली ब्लॉक PLC गामा कैन बी सर्कमवेंटेड बाय माइक्रो इंजेक्टिंग IP3 इनटू द एग। देखो होता क्या है, जो PLC गामा है ये आगे चल के IP3 को लेकर आता है, PLC3 गामा आगे चल के IP3 को जनरेट करता है और IP3 आगे चल के फर्टिलाइजेशन करता है। तो स्टेटमेंट कहती है, अगर मैं PLC गामा को इनहिबिट कर दूं, PLC गामा काम करना बंद कर दे, तो फिर भी मैं फर्टिलाइजेशन करवा सकता हूं अगर मैं IP3 डाल दूं एग के अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि फाइनली तो IP3 ही इस काम को कर रहा है, फर्टिलाइजेशन वाले काम को। तो अगर आप PLC गामा को इनहिबिट भी कर दोगे और बाहर से अलग से IP3 दे दोगे, तो फिर भी IP3 मिल ही जाएगा, क्योंकि PLC गामा IP3 को ही लाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। स्टेटमेंट सी क्या कहता है, सी थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, कैल्शियम रोकता है डॉकिंग ऑफ कोर्टिकल ग्रेन्यूल ऑफ द एग टू द सेल मेम्ब्रेन। जो एग होता है उसकी मेम्ब्रेन के नीचे छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनकी संख्या होती है लगभग 15,000, अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 15,000 छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते हैं जिन्हें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कहा जाता है। उनके अंदर प्रोटीएजेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं, तो उसे बाहर निकालने में मदद करता है कैल्शियम। तो कैल्शियम प्रिवेंट नहीं करता, कैल्शियम इंड्यूस करता है। कैल्शियम डू नॉट प्रिवेंट द डॉकिंग ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल ऑफ द एग टू द सेल मेम्ब्रेन, इट एक्चुअली डज। सो सही स्टेटमेंट हमारी सी है, यानी ये गलत आंसर है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका रिसेंट क्वेश्चन था जो अभी आया था, रिसेंटली आपका जो पूछा गया है CSIR में, और अब जनवरी के पेपर में भी और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बताइए आंसर दोस्तों। ओके ऑप्शन नंबर सेकंड बताया गोनू ने, ऑनकोजीन ने सेकंड बताया है, शमीमा बानो ने सेकंड, उत्पल कुमार मोंडल सेकंड, अनुराधा गोले टू, रोहन प्रधान टू। एनी अदर बेटर ऑप्शन? शिवानी ने भी टू बताया है। और कोई बेटर आंसर हमारे पास आ सकता है क्या? ओके एक आंसर आया है फोर का, रेणुका जी ने फोर बताया है, तो मेजॉरिटी तो टू के साथ है, तो आई थिंक मेजॉरिटी सही है, बट देखते हैं हम। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अ रिसर्चर डिजाइन टू एक्सपेरिमेंट, एक रिसर्चर है उसने दो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए हैं, दो एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है? पहला एक्सपेरिमेंट है ए, ये कहता है ही परफॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ वाइल्ड टाइप ह्यूमन स्पर्म एंड द एग। तो इसने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर ली, यानी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कर ली, जिसमें एग ले लिया और स्पर्म ले लिया, जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होती है। दूसरा केस बताता है ही डायरेक्टली इंजेक्टेड द एंटायर ह्यूमन स्पर्म इन साइड द एग विदाउट अलाउइंग द फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो दूसरे में इसने क्या करा, एग लिया और इसके अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया स्पर्म को, ठीक है, पूरा का पूरा स्पर्म डायरेक्टली अंदर डाल दिया, मेम्ब्रेन को फ्यूज नहीं होने दिया, क्योंकि नॉर्मली तो मेम्ब्रेन फ्यूज होती है तब जाके स्पर्म अंदर जाता है, पर इसने इस काम को नहीं करने दिया, डायरेक्टली स्पर्म को अंदर डाल दिया। तो आपको भी बताना है कि क्या सही आंसर होगा, फर्टिलाइजेशन कहां होगी कहां नहीं होगी। तो देखिए पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट है ए, इसमें तो फर्टिलाइजेशन 100% होगी क्योंकि ये नॉर्मल है बिल्कुल, बट सेकेंड में क्या होगी, सेकेंड में फर्टिलाइजेशन होगी, सेकेंड में भी होगी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने के लिए कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो खास केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल स्पर्म खुद प्रोवाइड करवाता है। ह्यूमंस के अंदर जो खास केमिकल्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, वो ह्यूमन का स्पर्म खुद देता है, तो अगर आप उसे ही डाल दोगे अंदर तब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन ऐसा हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, सी अर्चिन में ऐसा नहीं होता, ये ह्यूमंस के अंदर पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, द फर्टिलाइजेशन विल अकर इन बोथ केस। ओके तो आपने एक टेक्निक का नाम सुना होगा, दैट इज द ICSI। क्या ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन,
तुमने सुना है नाम इसका, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मींस साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करना। ये टेक्निक परफॉर्म की जाती है फर्टिलिटी क्लिनिक्स के द्वारा, और ये टेक्निक काफी उपयोगी होती है उन कपल्स के लिए जिनमें मेम्ब्रेन फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। होते हैं ना कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं बेबी को, तो वन ऑफ द रीजन होता है द नॉन फ्यूजन ऑफ द एग एंड द मेम्ब्रेन। एग और मेम्ब्रेन फ्यूज नहीं कर पा रहे कुछ रीजंस की वजह से। तो अगर डायरेक्टली स्पर्म को मेल पार्टनर से लेके एग में इंजेक्ट करें तो इस चीज को सरकमवेंट किया जा सकता है और प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है बाय द मदर। तो ये कैसे हो पाता है? जो स्पर्म होता है इसके अंदर एक केमिकल आता है जिसका नाम है पीएलसी जीटा, फॉस्फोलाइपेस सी जीटा। तो फॉस्फोलाइपेस सी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो IP3 को जनरेट करवाने में हेल्प करता है, ये स्पर्म खुद प्रोवाइड करवाता है, तो इसीलिए ये काम इजीली अचीव भी हो पाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ शिवानी, एंटायर लिखा था, बिल्कुल सही है, एंटायर लिखा है, तो उसमें भी अंदर जाके वो ओपन हो जाएगा, केमिकल बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फ्यूजन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, और वैसे भी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एंटायर ह्यूमन स्पर्म कंज्यूम होता है, लगभग 99% ह्यूमन स्पर्म एंटर कर जाता है पूरा का पूरा एग के अंदर। नॉर्मली भी फर्टिलाइजेशन में ऐसा होता है, बाकी अंदर जाके डिग्रेड हो जाते हैं जो ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते केमिकल्स। ओके ओके आपके सामने कुछ मैट्रिक्स बने हुए हैं, और मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करिए और आंसर बताइए क्या सही होगा। तो मैट्रिक्स के ऑप्शन आपको दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शंस। ये ऑप्शन ए है, ये वाला बी है, ये सी है और ये डी है। तो मैट्रिक्स देखिए, ऑब्जर्व करिए और आंसर बताइए। नजर तो आ रहा है ना सबको ठीक से क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैट्रिक्स थोड़े आ नहीं रहे थे पूरे इमेज के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बताया रश्मि ने, रेणुका को कंफ्यूजन हो रही है कुछ, तमीमा बानो ने सी बताया है, अनुराधा ने फोर, गोनू ने फोर। तो ये सारी चीजें मैं डिटेल में करवा चुका हूँ अनअकैडमी प्लस पर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी डिटेल में करवाई है मैंने, साथ में PDF नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। ओके चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन द स्पर्म एंड द डी जेलीड एग इन द सी अर्चिन। डी जेलीड एग मतलब एग के सरफेस पे एक बाहर एक जेली होती है,
उसे हटा दो तो बनेगा डी जेली डेक। तो यहां पे पूछा गया है कि अगर मैं बाइंडिन ले लूं, बाइंडिन प्रोटीन, और ले लूं डी जेलीड एग, डी जेलीड एग, तो अगर अलग अलग स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल स्पीशीज वन और स्पीशीज टू, ठीक है, स्पीशीज टू और स्पीशीज वन, तो किसका बाइंडिंग किसके एग के साथ बाइंड करेगा, किसका किसके साथ बाइंड नहीं करेगा। तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में भी कि सी अर्चिन के केस में स्पर्म और एग का इंटरेक्शन इज हाईली हाईली स्पेसिफिक, इवन द क्लोज रिलेटेड, इवन द क्लोज रिलेटेड स्पीशीज स्पर्म एंड एग विल नॉट फर्टिलाइज। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के भी स्पर्म और एग फर्टिलाइज नहीं करते, सेम के ही करते हैं। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है जो गिलबर्ट ने दिया है, वो एक्सपेरिमेंट इस मैट्रिक्स से आपको समझ में आएगा। दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में दिया है डी जेलीड एग। तो यहां दिया है एग, किसका एग है, दो स्पीशीज के एग हैं, एस परप्यूरेटस और एस फ्रांसिस्कैनस, दोनों के दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है सी अर्चिन की। ऊपर एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे बाइंडिंग प्रोटीन दिया है, और ये बाइंडिंग प्रोटीन भी इन्हीं स्पीशीज का है, एस परप्यूरेटस और एस फ्रांसिस्कैनस। और अब चेक की गई है इनके बीच में एग्लुटिनेशन, एग्लुटिनेशन मतलब बाइंडिंग, क्लंपिंग। तो पाया ये गया कि जो सेम स्पीशीज है उसका एग और सेम स्पीशीज का बाइंडिंग, दे एग्लुटिनेट, सेम स्पीशीज के एग्लुटिनेट करते हैं, बट द क्लोजली रिलेटेड वन और द डिफरेंट स्पीशीज लाइक एस फ्रांसिस कैनस का बाइंडिंग प्रोटीन और एस फ्रांसिस कैन और एस परप्यूरेटस का एग, दे विल नॉट बाइंड, दे डू नॉट एग्लुटिनेट। तो दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी तरह से नीचे अगर आप आओ तो यू विल फाउंड एग्लुटिनेशन, बिकॉज एस फ्रांसिस कैनस का बाइंडिंग प्रोटीन है और एस फ्रांसिस कैनस का एग है, तो यहां पे बाइंडिंग हो रही है। और इसी तरह से लेफ्ट वाले में देखेंगे तो फ्रांसिस कैनस का एग है और परप्यूरेटस का बाइंडिंग है, तो दोनों डिफरेंट स्पीशीज है, क्लोजली रिलेटेड है बट सेम नहीं है, तो इनमें एग्लुटिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 4, परप्यूरेटस में एग्लुटिनेशन, फ्रांसिस कैनस में एग्लुटिनेशन, बाकी में नो एग्लुटिनेशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो आंसर क्या बताया जा रहा है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स इन ह्यूमन। सो दिसंबर 2012 का सवाल है, पीवाईक्यू है। ऑप्शन नंबर बी बताया रश्मि ने, अकर्स इन आफ्टर द एक्रोसोम रिएक्शन। शिवानी ने सी बताया है, उत्पल ने बी बताया है,
रोशन ने सी, रोज सी, सी अनुराधा सी, आई थिंक ये सब सी वाले हैं। एनी अदर बेटर ऑप्शन? शिवानी ने भी सी बताया है। ओके तो क्वेश्चन समझते हैं। कैपेसिटेशन क्या होता है? जो फ्रेशली इजैक्युलेटेड स्पर्म होते हैं ह्यूमंस के अंदर, जो न्यूली इजैक्युलेटेड स्पर्म्स होते हैं, दे आर अनकैपेसिटेटेड, वो अनकैपेसिटेटेड होते हैं। अनकैपेसिटेटेड का मतलब है अनकैपेसिटेट, यानी उनमें कैपेसिटी नहीं होती, पोटेंशियल नहीं होता। किस चीज का पोटेंशियल नहीं होता? फर्टिलाइजेशन करने का पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है, कैपेसिटी नहीं होती, तो उसे कहते हैं अनकैपेसिटेटेड स्पर्म। लेकिन जब स्पर्म के अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाए तो इसे कहते हैं कैपेसिटेशन, यानी स्पर्म में कैपेसिटी आ गई है, कैपेबिलिटी आ गई है, पोटेंशियल आ गया है टू फर्टिलाइज द एग। लेकिन ये कैपेसिटेशन स्पर्म के अंदर कब आता है? ये कैपेसिटेशन स्पर्म में आता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब स्पर्म आते हैं तो वो कुछ टाइम बिताते हैं अंदर, कुछ उनकी ट्रेनिंग होती है अंदर, तो वहां पे वो कैपेबिलिटी हासिल कर लेते हैं, कैपेसिटेट हो जाते हैं टू फर्टिलाइज द एग। तो ये चीज कहां पर होती है? ये होती है या तो इस्थमस में या एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में। वैसे तो इस्थमस के आसपास होती है ये, लेकिन अगर एम्पुला भी दिया है ऑप्शन में तो वो गलत नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका, ये होती है इन द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट, क्योंकि एम्पुला इस्थमस आसपास रहते हैं, थोड़ा बहुत ओवरलैप करते हैं। तो करेक्ट आंसर है एम्पुला, ये यहां पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये जून 2018 का क्वेश्चन है, जरूरत से ज्यादा आसान सवाल नहीं है। ओके तो थर्ड आंसर बता रहे हैं सभी लोग, तो जितने भी देख पा रहा हूं मैं, मैक्सिमम लोगों ने थ्री बताया है। ओके तो जून 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है? फर्टिलाइजेशन इन द सी अर्चिन एग इन्वॉल्व द कैल्शियम रिलीज। सी अर्चिन एग में फर्टिलाइजेशन में कैल्शियम का रिलीज होना इन्वॉल्व होता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रीएक्टिवेशन। द मेजर मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग कैल्शियम फ्रॉम द इंट्रासेल्यूलर स्टोर इज। तो जो मेजर आपका है वो कौन है? तो देखिए होता क्या है, जब स्पर्म इंटरैक्ट करता है मेम्ब्रेन से तो वो एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को जिसका नाम है PLC, दैट इज द फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी गामा आपका सी अर्चिन में होता है, और फॉस्फोलाइपेज सी जीटा ये ह्यूमंस में होता है। ये फॉस्फोलाइपेज सी डिग्रेड करता है एक मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड को जिसका नाम है PIP2। ये PIP2 को तोड़ता है इनटू द टू मॉलिक्यूल, वन इज द DAG डाइअसाइलग्लिसरॉल एंड सेकेंड वन इज द IP3। ये IP3 जो है जाके बाइंड करता है अपने रिसेप्टर पर जो होते हैं कैल्शियम रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का रिजर्वायर होता है, इसमें कैल्शियम भरा रहता है। कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए रिसेप्टर की जरूरत है, और रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए लाइगेंड की जरूरत है। लाइगेंड है IP3, ये बाइंड करता है
कैल्शियम को बाहर निकालता है और अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है, जो फिर एग को एक्टिवेट करवाने में मदद करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द आईपी 3। ओके, आज का आखिरी सवाल। भारत Which of the following statement is true with respect to the fertilization event in mammal and sea urchin? मैमल और सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होते हैं उनके बारे में सही स्टेटमेंट बतानी है, और पूछा गया फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी और स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो आंसर आया 1, 5, 3, 1, 3, पास लॉक टू पोलिस पर मिस लॉक टू पोलिस पर नहीं, अगर सी एलसी ओनली। ओके, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर, क्या ऑप्शन नंबर क्या बोल दूं मैं, ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। फास्ट लॉक टू पोलिस परमी सिर्फ सी अर्चिन में होती है। मैमल और सी अर्चिन के कंपैरिजन में फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी सिर्फ सी अर्चिन में होती है, मैमल में नहीं होती। इसका रीजन यह है क्योंकि मैमल के चारों तरफ जो स्पर्म आते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, बहुत लेस नंबर में स्पर्म्स आते हैं, तो रिक्वायर्ड नहीं होता फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक होता है। लेकिन सी अर्चिन के केस में थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स अराउंड करते हैं सी अर्चिन के एग को, जिसके लिए फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक दोनों चाहिए होते हैं। बट इन द केस ऑफ मैमल कुछ हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म ही आ पाते हैं एक की तरफ, ठीक है, रास्ते में बाकी सारे मर जाते हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 5, दैट इज द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी अकर्सिंग सी अर्चिन ओनली। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिटेल अगर पढ़ना है आपको कैसे है ये क्यों है, तो मैंने क्लास में समझाया है अनअकैडमी प्लस की क्लास पे, तो वहां पे नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और बाकी चीजें भी अवेलेबल हैं आपकी, ठीक है। तो फिलहाल का सेशन इतना ही था, अब मैं आपको मिलूंगा अगले सेशन में। तो कोई और क्वेश्चन होगा आप मेरे से तभी पूछ लेना, ठीक है। फास्ट लॉक टू पॉलीस्पर्मी ह्यूमंस में नहीं होता है क्योंकि ह्यूमन का एग कुछ हंड्रेड स्पर्म से सराउंड रहता है, इसलिए वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फास्ट लॉक की रिक्वायरमेंट होती है जब हजारों स्पर्म सराउंड करेंगे एग को, हजारों लाखों, जो सी अर्चिन में होता है, ठीक है। तो स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी तो ह्यूमंस में भी होता है, इसलिए थ्री थर्ड आपका सही नहीं है। थर्ड कहता है सिर्फ सी अर्चिन में ही होते हैं दोनों, लेकिन स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी आपका कहां पर होता है, ह्यूमन में भी होता है। तो ठीक है, फिर सभी लोगों का धन्यवाद, मिलता हूं मैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।